हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, वो है ब्लू टिक चेकिंग फीचर। अब ये ब्लू टिक चेकिंग फीचर क्या है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लू टिक चेकिंग फीचर शायद ये है कि जिस तरह से इंस्टाग्राम पे होता है, ट्विटर पे होता है कि किसी भी यूजर का जो बहुत ज्यादा एंगेजमेंट रखता है अपने फॉलोअर के साथ या बहुत ज्यादा उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको एक वेरिफिकेशन टिक मिल जाता है जिसकी वजह से ये पहचाना जाता है कि वो ऑफिशियल अकाउंट है। शायद इसी तरीके से YouTube पे भी आ गया हो, लेकिन YouTube पे ऐसा नहीं है। ये जो YouTube का ब्लू टिकिंग फीचर है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी जहां अपलोडिंग दिखाएगा, डेस्कटॉप की बात मैं कर रहा हूं, जब डेस्कटॉप में आप कंटेंट में जाएंगे, जब आप देखेंगे कि आपका वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि एक ब्लू टिक बनेगा और वो ब्लू टिक ब्लिंक करेगा और उसमें लिखा रहेगा चेक इज स्टिल रनिंग, इस तरह का कुछ लिखा रहेगा। तो जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो ये ब्लू टिक दिखाएगा। और ये ब्लू टिक का मतलब क्या है? ये ब्लू टिक का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वीडियो पब्लिश करने वाले हैं या अपलोड कर रहे हैं तो ये ब्लू टिक दिखाएगा। और YouTube ये इसलिए लगा रहा है ताकि आपका कोई कॉपी इन्फ्रिंजमेंट ना हो सके, आप कोई YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट ना करें, उससे पहले YouTube इसको चेक करेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियोज डाली और जाके डेस्कटॉप पे जब देखा तो जहां अपलोडिंग दिखाता है, जहां दिखाता है कितनी परसेंट अपलोड हुआ, तो उसके नीचे एक ब्लू टिक दिखा रहा था और वो ब्लू टिक ब्लिंक कर रहा था और रिस्ट्रिक्शन में चेकिंग लिख रहा था, जहां की रिस्ट्रिक्शन में नल लिखता है जब आपकी वीडियो पब्लिश हो जाती है। तो मेरी वीडियो अपलोड हो रही थी और उस दौरान ये ब्लू टिक दिखा रहा था, तो मैंने कहा यार ये क्या नया चक्कर है, ब्लू टिक तो पहले दिखाता नहीं था, ऐसा कौन सा मैंने गलत कर दिया कि ब्लू टिक दिखा रहा है। तो उसके बाद मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि ब्लू टिक यूट्यूब का एक नया फीचर है जिसमें आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पब्लिश होने से पहले यूट्यूब अपने हिसाब से आपकी वीडियो को चेक करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम हो रहा है, आपने कोई कंटेंट चोरी किया है तो कोई कॉपीराइट इशू हो रहा है, आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं, ये सब चेक करेगा वो अपने हिसाब से। तो अगर वो सब चीज़ नहीं होता इसमें आपकी वीडियो में, तो आपकी वीडियो के रिस्ट्रिक्शन में नल लिख जाएगा और चेकिंग हट जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। आपको फ्यूचर में कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है अगर कॉपीराइट ओनर को लगता है कि आपने अपनी वीडियो में उसके किसी कंटेंट का इस्तेमाल किया है उसके बिना परमिशन से, लाइसेंस से, तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, आपका चैनल बंद हो सकता है। लेकिन ये सब इश्यू को कम करने के लिए यूट्यूब ने ये फीचर दिया है कि आप शुरुआत में ही पता लगा लेंगे कि आपके वीडियो में क्या कॉपीराइट क्लेम हो रहा है, क्या कॉपीराइट प्रॉब्लम हो सकती है, कॉपीराइट इशू हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप बच सकते हैं अपने चैनल को बंद करवाने से, आप बच सकते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक पाने से। तो ये सब चीज़ को कम करने के लिए YouTube ने ये फीचर दिया है ताकि आपको आसानी हो, YouTube क्रिएटर्स को आसानी हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप जानते ही हैं कि YouTube कितना स्ट्रिक्ट है अपने गाइडलाइंस को लेकर, कॉपीराइट कंटेंट को लेकर। तो ये सब चीज़ ना हो इसलिए YouTube ने ये फीचर ऐड किया है। अब कुछ और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पे आप गौर कीजिएगा। देखिए, मैंने जब वीडियो डाला तो उसमें कुछ वीडियोस जो थी उस पे तो टिक हट गया, ब्लू टिक हट गया, उसमें रिस्ट्रिक्शन में नल लिख गया, लेकिन एक वीडियो थी जिसमें ब्लू टिक चल रहा था और मेरी वीडियो भी पब्लिश हो गई, मेरी वीडियो भी पब्लिश हो गई, ब्लू टिक चल रहा था, तब भी मैं परेशान था यार ये क्यों ब्लू टिक चल रहा है, ये हट क्यों नहीं रहा है। तो मुझे फिर मैंने उस पर ध्यान दिया, मैंने कहा यार ये जो वीडियो है इसमें मैंने कुछ सेंसिटिव वर्ड्स लिखे हैं, हो सकता है उसको हटाने से कुछ हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके फिर चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद लगभग एक दिन हो गया तो वो ब्लू टिक चल रहा था। तो मैंने जाके चेंजेस किए, वो सेंसिटिव कीवर्ड्स को हटाया, अपना थंबनेल को चेंज किया, अपने टाइटल को चेंज किया, उसके बाद वो ब्लू टिक हट गया, कुछ घंटों बाद वो ब्लू टिक हट गया। तो मुझे लगा कि यार ब्लू टिक जब तक एकदम से छोटी नहीं हो जाती कि आपका वीडियो एकदम सही है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, तो हो सकता है कि ब्लू टिक तब तक चलता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिश होने से पहले ही आपका ब्लू टिक चलता रहेगा। तो ये मैंने देखा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ आप भी एक्सपीरियंस करें। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।